नेपाल की एजुकेशन पॉलिसी या फिर पर्टिकुलर बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इतना बड़ा बदलाव लाया गया कि जिसे अब यहां पे विदेशों के अंदर भी डिमांड है कि इस तरह का फॉर्मेट हमें भी चाहिए। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं बैलेंसा के एक ऐसे कार्य के बारे में जिसकी चर्चाएं ना केवल अब नेपाल के अंदर जबकि पूरे विश्व के अंदर हो रही हैं, और अगर कुछ देश बचे हुए हैं तो वो भी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में करेंगे। और इसका रीजन ये है कि उन्होंने ये करके दिखाया है, ना केवल पुलाव भाषण दिए हैं, और इस चीज का भी प्रूफ ये है कि खुद जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी बैलेंसा को अपना हीरो समझने लगे हैं। एक्चुअल में घटनाएं घटी हैं वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल में बैलेंसा जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो एक से बढ़कर एक माने जा रहे हैं, चाहे वो सड़क का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पार्किंग का प्रोजेक्ट हो, और फिर चाहे वो यहाँ पे जो लोग पैदल चलते हैं सड़कों के ऊपर उनकी सहूलियत की बात हो, या फिर हम कहें कि काठमांडू सिटी को सुंदर बनाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक संभव हो चुका है वहां तक उन्होंने कूड़े कचरे को का भी निपटार किया है, और इसके साथ साथ पार्क की एक उत्तम व्यवस्था भी स्थापित करके दी है। इसी के बीच वो एक सबसे पर्टिकुलर चीज यानी कि हेल्थ के सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 24 घंटे उन्होंने फ्री एम्बुलेंस का भी कार्य किया है, तो वो कैसे भूल सकते थे एजुकेशन के बारे में, क्योंकि जो कि फ्यूचर है हमारे देश का या फिर किसी भी देश के लिए, एजुकेशन अगर अच्छी है तो उस देश का डेवलपमेंट आसानी से हो सकता है, और उस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं या फिर हम कहें कि फ्यूचर उसका ब्राइट हो सकता है। तो बैलेंसा जरूर चाहते होंगे कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से बने, और इसीलिए वो हफ्ते में एक दिन यहां पे जो बच्चे होते हैं उनसे मिलने भी जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज भी लाने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ उन्होंने ना केवल जो स्कूल्स हैं उनकी साफ सफाई पर ध्यान रखा है, बल्कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर बेसिक नीड की शिक्षा देने का भी यहाँ पे जो जरिया है वो प्रारंभ किया है। बैलेंसा चाहते हैं कि वो हर चीज़, जैसे रोटी बनाना हो गया, जैसे आर्ट, जैसे मान लीजिए कि पेंटिंग करना हो गया, या फिर हम ऐसे कहें कि मशीन चलाना हो गया, सिलाई की मशीन हो गई, इस तरह के कार्य जो कि एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व करना, एक इनोवेशन की बात कर सकते हैं हम, और ऐसे इनोवेटिव अगर एजुकेशन दी जाएगी तो कोई भी बच्चा जो कि बेरोजगार नहीं रह सकता। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि अभी तक यहाँ पे बहुत से देशों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है। एक बेसिक नीड जो होती है वो शिक्षा दी ही नहीं जाती, रूढ़िवादी शिक्षा दी जाती है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि या तो सरकारी नौकरी और या फिर बेरोजगारी, यानी कि उसके पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं खुलता है। लेकिन बैलेंसा ने जिस तरह से यहां पे इनोवेट किया है इस शिक्षा पद्धति को, जिसके अंदर जो सरकारी लगेंगे वो तो लगेंगे, लेकिन जो लोग सरकारी नहीं लगेंगे या फिर जो स्टूडेंट्स सरकारी नहीं लगेंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, उनको बहुत तरह तरह के वर्क आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आईटी के अंदर भी बहुत बड़ा यहां पे सहयोग किया है। मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन के अंदर आईटी को लाना एक बहुत बड़ा इनोवेशन बताया जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे जो आज के स्टार्स हैं, जो फिफ्थ क्लास में हैं, सिक्स क्लास में है या फिर टेंथ क्लास में है या फिर स्कूलिंग कर रहे हैं, उन सभी को आईटी का भी बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया में बढ़ती हुई यहां पे तेजी या फिर हम कहें कि जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा विकसित हो रही है, और उसके अंदर अगर नेपाल के जो ये युवा हैं, जो ये यहां पे स्टार्स हैं, वो सीखें इस चीज को, तो कहीं ना कहीं हम आगे जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी चीजों को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करी है, और बच्चों की एक क्लास कंप्यूटर की भी होती है जिसके ऊपर उन्हें साइट्स का ज्ञान दिया जाता है, इसके साथ साथ उन्हें इंटरनेट के बारे में बताया जाता है, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों बायोलॉजी की बात करें या फिर साइंस की बात करें, तो वहां पर भी प्रोजेक्टाइल जो स्टडी होती है, प्रोजेक्टाइल जो मेथड होता है वो यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चे खुद करके सीखते हैं और बच्चे खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी चीज को। जैसे हार्ट का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए तो बच्चा उसे आसानी से सीख सकता है, उसके बजाय कि कोई टीचर उसे बोर्ड के ऊपर बताए और समझाए। उससे ज्यादा सीखने का जरिया यही है कि खुद बच्चा यहाँ पे खोज कर निकाले कि हार्ट एक्चुअल में चीज क्या है, अलग अलग तरह से वो सर्च करे और वो खुद का प्रोजेक्ट तैयार करे, तो वो अच्छे से सीख सकता है। और इसी चीज को देखते हुए जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे चिट्स आई हैं, जब वो मिलने गए तो उन सभी बच्चों ने कोई डियर बैलेंसा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, कोई कहता है थैंक यू बैलेंसा, कोई कहता है लव यू बैलेंसा, यानी कि ये जो पर्दा दिखाई दे रहा है उसके हर जगह पर आपको हर एक स्टूडेंट की जो थॉट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच बैलेंसा, आपके बिना ऐसा नहीं हो सकता,
सकता था। हर एक चिट के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ जो कि स्पष्ट करता है कि बैलेंसा ने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा सुधार किया। दोस्तों बैलेंसा के इस कार्य के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।